दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई है, सदन में हंगामा हो गया है, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी हंगामा कर रही है। दिखाता हूं आपको, ये देखिए सदन में जो नारा गूंज रहा है इस समय, ये जो बैल है इसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हैं, देखिए दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी के भी यहाँ पे पार्षद हैं जो खड़े हुए हैं, लेकिन इस समय जो आवाज़ गूंज रही है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों की है। नारा ये लगा रहे हैं, मेयर साहिबा वोट कराओ वोट कराओ वोट कराओ, यानी कि वोटिंग करवाई जाए। इससे पहले बीजेपी लगातार हंगामा कर रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पार्षद भी बैल में आ गए हैं, तो दोनों ही पक्ष जो हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के पार्षद अब बैल में दिखाई दे रहे हैं। मेयर अपनी सीट पर हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी ये मांग कर रही थी कि शुरू से वोटिंग करवाई जाए, अब आम आदमी पार्टी के पार्षद भी जो है मांग करने उतर गए हैं कि वोटिंग करवाई जाए। ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, जो बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है उसको काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी भी अब वेल में कूदी है। ये वेल है सदन का, जहां पर ये देखिए तो लगातार दिल्ली नगर निगम का सदन स्थगित हो रहा है। ये मेयर हैं दिखाई दे रही हैं पीछे, ये देखिए स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव के लिए जो बैलेट बॉक्स होता है ये रखा हुआ है, और ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के पार्षद हैं। ये देखिए टेबल पे भी चढ़ गए हैं पार्षद। सदन को संवैधानिक तरीके से चलने दीजिए, अपील कर रही हैं मेयर कि संवैधानिक तरीके से सदन को चलने दें। तो अब जो है ये भी नारा गूंजने लगा है, सुनाई दे रहा है, वोट कराओ एक से, ये बीजेपी का नारा है, वोट कराओ एक से, यानी फिर से शुरू से वोटिंग कराई जाए स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए। और आप तो एक कुल मिला के एक तरफ बीजेपी का ये नारा है वोट कराओ एक से, यानी फिर से शुरू कराओ, और आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि वोटिंग करवाई जाए। तो वोटिंग के लिए तो दोनों ही सहमत हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जहां खत्म हुआ था या जहां रुका था वोटिंग, वहीं से आगे बढ़ाया जाए। बैलेट पेपर को उठाकर फेंका गया, पोडियम को तोड़ा गया, पोडियम को रेखा गुप्ता जी द्वारा तोड़ा गया, और अमित नागपाल जी ने बैलेट पेपर की जो बुकलेट है उसको फाड़ा। ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देखिए दो नाम लिए गए हैं बीजेपी की, मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता के बारे में कहा है मेयर ने कि उन्होंने पोडियम फेंका है, माइक तोड़ा है, और अमित नागपाल जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने बैलेट पेपर फाड़े हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक तरफ बीजेपी की ये मांग है कि वोट कराओ एक से, फिर से वोट कराओ, आम आदमी पार्टी कह रही है वोट कराओ, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है जहां पे रुका था वहीं से वोटिंग करवाई जाए, और बीजेपी कह रही है शुरू से वोटिंग कराई जाए। तो बहुत ही शर्मनाक हरकतें हुई, इसीलिए हम रेखा गुप्ता जी, अमित नागपाल जी पर क्या एक्शन होगा अगली कार्रवाई में बताएंगे अगली बैठक में। तो कल सुबह 10 बजे तक हाउस एडजर्न होता है और मिनट्स को कंफर्म किया जाता है। बड़ी खबर, आखिरकार दिल्ली नगर निगम का सदन स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया, और ये कहा गया है कि बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता पर क्या एक्शन होगा, अमित नागपाल बीजेपी पार्षद पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि अमित नागपाल ने बैलेट पेपर फाड़े, रेखा गुप्ता ने पोडियम फेंका, माइक तोड़ा, क्या एक्शन होगा कल बताया जाएगा। फिलहाल सदन स्थगित कर दिया गया है कल सुबह 10 बजे तक के लिए, यही अटलमेंट एडलॉक बना हुआ था, लगातार चल रहा था। बुधवार सुबह जो 11 बजे सदन शुरू हुआ, अब जाकर सदन जो है स्थगित कर दिया गया है शुक्रवार के लिए। MCD हेडक्वार्टर से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।